हेलो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ा था, जिसमें रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड लीनियर टाइप पंप को पढ़ा था हम लोगों ने। पिछले बार लेक्चर में एक डिसलाइक आया हुआ है वीडियो पे, तो अगर कोई डाउट हो आप लोगों का तो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, या आपको ये लग रहा हो कि हाँ गलत है, तो उसको भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कोई भी बेटा सिस्टम होता है तो उसके एडवांटेजेस होते हैं, अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस का मतलब फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस का मतलब कुछ उसके नुकसान या लिमिटेशंस। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है बेटा, कि उसको अधिक ऊंचाई तक फ्लूइड को उठाने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि जो आउटलेट पर प्रेशर होता है वो बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, और जो आउटलेट पर प्रेशर जनरेट होता है हाई प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, अगर मैं आउटलेट को क्लोज कर देता हूँ, आउटलेट वाल्व को क्लोज कर देता हूँ, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हर स्ट्रोक में बार बार प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसमें सेकेंड नंबर पे जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये कांस्टेंट फ्लो रेट देता है, मतलब कांस्टेंट रूप से इसमें जो फ्लूइड होगा वो फ्लो करेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं बेटा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को बनाना जटिल होता है और कॉस्टली भी होता है, मतलब बहुत ही कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बल्की टाइप में होता है ये पंप बहुत छोटे से कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है, बल्की होता है, इसके कंपोनेंट्स हैवी होते हैं तो कॉस्टली होता है। फ्लूइड डिलीवरी पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इसमें एक बार रिट्रैक्शन हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रिट्रैक्शन मतलब पीछे खींचना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब आगे की तरफ पुश करना, समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये वाली प्रक्रिया हो रही है तो ये पल्सेटिंग नेचर देती है, खींचेंगे तो फिर आ रहा है फिर जा रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो पल्सेटिंग नेचर का ये आउटलेट पे देता है। डिस्चार्ज वॉल्व को क्लोज नहीं कर सकते, इसको भी समझ लो बेटा। डिस्चार्ज वॉल्व क्या है, देखो ये इनलेट है, इधर से वाटर या फ्लूइड जा रहा है, ये आउटलेट है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो इसे यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, जो निकलता है वाटर यहाँ से इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है, आउटलेट वॉल्व। ठीक है, तो ये वॉल्व है, तो इस वॉल्व को क्या करते हैं, यहाँ पे इसलिए वॉल्व भी लगाते हैं, एक सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो बाय द वे अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि हाँ ये ब्लॉक हो जाता है ये सिस्टम, यहाँ से ये आउटलेट डिस्चार्ज यहाँ से क्लोज हो जाता है, तो क्या होगा, हर एक स्ट्रोक के साथ यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, फ्लूइड का कंप्रेस होता जाएगा, और एक समय ऐसा प्रेशर आएगा कि पूरे इस सिस्टम को तोड़ देगा, इस पाइप को, इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व लगाते हैं। और ऐसा हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे बिल्कुल ही क्लोज कर दे, क्योंकि क्लोज करेंगे तो पाइप क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा या ब्लास्ट कर सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, तो जो इस टाइप का पंप होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसमें क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट हैं वो बल्की हैं। सेफ्टी वॉल्व इज़ रिक्वायर्ड, मैंने डिस्कस किया कि सेफ्टी वॉल्व एक चाहिए, क्योंकि जो हाई प्रेशर बाय द वे किसी फॉल्ट से जनरेट हो जा रहा है तो उस सेफ्टी वॉल्व के थ्रू क्या हो जाए, वो रिलीज़ हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केंद्रापसारी पंप, या जिसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। इसका कुछ मैकेनिज्म है, कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको मैं समझा रहा हूँ। इस टाइप के पंप में बेटा होगा ये कि वाटर यहाँ से उठाया जाएगा फिर यहाँ पे छोड़ा जाएगा, वाटर यहाँ से उठाया जाएगा फिर यहाँ छोड़ा जाएगा, जो फ्लूइड यहाँ से रहेगा और यहाँ से यह आउटलेट आ रहा है, ये इनलेट है या आउटलेट है। अब देखने की बात यह है कि अगर वाटर यहाँ सप्लाई हो रहा है तो इधर से नहीं निकल रहा है, ये इस साइड से निकल रहा है, लीनियर नहीं है, इसलिए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसे बोलते हैं बेटा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, द फ्लूइड इज नॉट फॉलोइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और लीनियर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दस कॉल्ड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, पहला सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री पंप, अपकेंद्री पंप है, ठीक है, और सेकेंड नंबर पे है स्पेशल इफेक्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पहले नंबर पे जो अपकेंद्री पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का ये कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे ये है इनलेट, यहाँ से हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ से हम लोग वाटर
प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा सक्शन आई। सक्शन मतलब, सक्शन का मतलब सक करना, खींचना अपनी तरफ। तो ये सक्शन आई है, यहाँ से वाटर हम प्रोवाइड कराएंगे, पाइप कनेक्ट करेंगे। और इसके अंदर पे देखो ये पूरा जो ऊपर से ये गोला गोला ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है, ये इम्पेलर का कंस्ट्रक्शन है, इम्पेलर है। मैं अब समझा रहा हूँ इम्पेलर क्या होता है। इम्पेलर है और बीच में इसके, इम्पेलर के बीच में क्या लगा होता है, सक्शन आई। सक्शन आई में कनेक्ट करते हैं क्या हम लोग, फ्लूड को, वाटर को, पाइप के थ्रू, ताकि पाइप में जो वाटर इसके कांटेक्ट में है। और यहाँ सक्शन आई का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है कि अंदर से पानी को सक करता है, केवल खींचता है। देखो अब क्या हो रहा है, नीचे एक फ्लो इज रेडियल, फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, इम्पेलर लिक्विड को घुमाता है। इम्पेलर क्या करता है, लिक्विड को घुमाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सा कंस्ट्रक्शन है सेंट्रिफ्यूगल पंप का, इसमें ये बताया मैंने सक्शन आई है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन इम्पेलर है, ऊपर से केसिंग है, ये ऊपर से डोज को ढके हुए है, आवरण इसका केसिंग बोलते हैं इसको। यहाँ से वाटर जा रहा है, इनलेट है, यहाँ से आउटलेट वाटर निकलेगा। क्या वर्किंग मैकेनिज्म है समझो, ये देखो ये इम्पेलर का और सक्शन आई का एक बहुत ही बड़ा डायग्राम है। अब देखो ये जो सक्शन आई है, इससे पाइप से कनेक्ट करेंगे जो पानी हमको मतलब पंप करना है, यहाँ से कनेक्ट कराएंगे, तो ये होता है, इसको बोलते हैं सक्शन आई। मतलब इसमें जो ये इम्पेलर के ब्लेड्स निकले हुए हैं, इसे बोलते हैं वेंस, इसको बोलते हैं वेंस, जो ये निकले हुए ब्लेड इसको वेंस बोलते हैं। मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट इसका होगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट ये ब्लेड ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करते समय ब्लेड यहाँ भी आया होगा, लेकिन ये इस कुछ इस शेप में आया होता है कि जो यहाँ पे वाटर मतलब प्रोवाइड हम करा रहे हैं पाइप के थ्रू, वो क्या होता है अंदर खींचता जाता है। जब अंदर खींचेगा तो ये वाटर इधर आएगा, और चूंकि रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो वाटर है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा, जो वाटर को पुश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर को पुश करेगा बेटा, और इस तरीके से मूव कर रहा है, तो वाटर यहाँ से पुश होकर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से वाटर आया ऐसे, और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाटर को बाहर पुश भी कर रहा है, उसको इसको फ्लो भी ऐसे कराएगा। अब यहाँ पे कम चौड़ाई है, चौड़ाई ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये इसलिए किया जाता है कि जो है वाटर है वो आराम से इधर से आ जाए, और वाटर के पास में अगर कोई ऑब्स्टेकल हो तो वो भी क्या हो जाए, उसके वजह से जो पंप का फ्लो है वो रुके ना। मूवमेंट ऐसे हो रहा है, वाटर केंद्र से बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, साथ साथ इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में वाटर को क्या कर रहा है, खींच भी रहा है, इधर से बाहर फेंक रहा है और इसे खींच के ले जाएगा, फिर यहाँ से इसको पंप कर देगा। तो जो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म यही होता है। ये है इम्पेलर, इम्पेलर के बीच में होता है सक्शन आई, और जो ये ब्लेड्स निकले होते हैं स्पेसिफिक शेप में होते हैं, कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं, जिसे वेंस बोलते हैं, वेंस। इस पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब कि सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आएगा, ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, और ब्लेड क्या करेगा, अपने साथ साथ इसको घुमाएगा, तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और बाहर भी ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से निकल के इधर से निकल जाते हैं। मतलब वाटर इधर सप्लाई आ रहा है और निकल कैसे रहा है, इधर से आके इधर से निकल जा रहा है। तो देखो वाटर इधर से आ रहा है, फिर उसी डायरेक्शन में अगर निकल जाता तो लीनियर होता, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता, लेकिन इधर से ना आके सप्लाई इधर आ रहा है और इस तरीके से इधर से निकल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म है बेटा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, सक्शन आई जिसे मैंने अभी बताया, सक्शन आई क्या होता है, यह इम्पेलर के मध्य का भाग होता है, जो वेंस, जो ब्लेड्स होते, ब्लेड्स आप बोलोगे नहीं, एग्जाम में अगर लिखना है तो ब्लेड्स नहीं लिखोगे, मैं समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ। जो ब्लेड्स हैं वो वेंस होते हैं, आप वेंस ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो यह इम्पेलर के मध्य का भाग होता है, जो वेंस को कर्व्ड शेप में करके लगाया जाता है, ताकि फ्लूइड के कांटेक्ट में आने पर एक सक्शन क्रिएट कर सके। स्पेसिफिक टाइप में इसका शेप होता है सक्शन आई का, ताकि ये क्या करे, एक सक्शन फोर्स लगा सके, जो भी वाटर उसमें कांटेक्ट में उसको अपनी तरफ खींच सके। खींचेगा तभी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ऐसे इसका मैकेनिज्म वर्क करेगा। अब देखो इम्पेलर, यह अपकेंद्री बल लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रहा हूँ ना, जो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में किसी भी सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, तो उसे ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो इम्पेलर है यही काम करता है ओवरऑल, कि जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सक किया गया सक्शन आई के द्वारा, उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, इसलिए इस पंप को अपकेंद्री पंप भी कहते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इम्पेलर में जो ब्लेड शेप के पार्ट लगे होते हैं उसे वेंस कहते हैं, टेक्निकल टर्म है वेंस, समझ में आया, तो वेंस ही आप बोलोगे।
अब एक टर्म आता है प्राइमिंग। प्राइमिंग किसे कहते हैं इसे समझ लो। प्राइमिंग का मतलब सक्शन आई को फ्लूइड प्रोवाइड कराना फॉर इनिशियल सक्शन, अदरवाइज एयर होगा तो सक्शन क्रिएट नहीं होगा। समझ लो प्राइमिंग को, जैसे यहाँ पे इसका शेप कुछ ऐसे है कि वाटर को क्या करता है, अंदर की तरफ खींचता है, तो वाटर को खींच रहा है। अगर इनिशियल कंडीशन पे तुम वाटर नहीं यहाँ प्रोवाइड करा पा रहे हो, मतलब एयर है पाइप में, वाटर कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है, तो एयर को सक करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, फ्लूड को सक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और एयर को सक करने की टेंडेंसी बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो एयर को सक ही नहीं कर पाएगा। जब एयर को सक नहीं कर पाएगा तो पीछे जो वाटर है वो भी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, फ्लूड नहीं चढ़ पाएगा और हमारा पंप जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए इनिशियल कंडीशन में पाइप को कुछ ऐसे इसमें वाटर को फिल करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं वाटर का, ताकि इनिशियल कंडीशन पे वाटर को क्या करिए, सक करे और एक सक्शन प्रोवाइड कराए। तो इसी इनिशियल कंडीशन में फ्लूइड प्रोवाइड कराना किसको, सक्शन आई को ही प्राइमिंग कहलाता है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, प्राइमिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक, ओवरऑल हमने अभी तक क्या पढ़ा, देखो ओवरऑल हमने ये पढ़ा कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म था, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा था मूवमेंट। ठीक है, जो हमारा क्या लगा हुआ था, इम्पेलर लगा हुआ था, उसको मूवमेंट ऐसे हो रहा था, बीच में सक्शन आई था, लिक्विड को इनलेट से ऐसे प्रोवाइड करा रहे थे सक्शन आई में, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण इस तरीके से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व शेप में जो है टेंजेंशियली कर्व शेप में वाटर बाहर आ रहा था, पीछे यही हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है और जो अपकेंद्री पंप है उसके बीच में तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको समझो थोड़ा सा, पीछे के जो लेक्चर है उसको ज़रूर एक बार रेफ़र करना आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर दे के समझना कि इस लेक्चर को दे के काम चला लेते हैं, पीछे से देखोगे तभी समझ में आएगा, एक लिंक बना होता है लेक्चर बाई लेक्चर, तो स्कीप मत करना। नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, ओके। इसको समझने के लिए रेफ़र करना, मान लो वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ तो क्लियर हो ही रही होगी, तो उसको आप लोग समझना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ते हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो क्या सतत कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसे है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वाटर इधर से आ रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है और टेंजेंशियली थ्रो कर रहा है, तो कंटिन्यूअस थ्रो करते रहेगा, तो जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाटर जस्ट निकल रहा है वो कंटिन्यूस होगा और स्मूथली होगा थोड़ा। और यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में मैंने पहले ही बताया है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, पल्सेटिंग हो रहा है, उसके डिसएडवांटेज में हमने अभी पढ़ा है। दूसरे नंबर पे लिक्विड के बड़े अमाउंट को हैंडल कर सकता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि यहाँ पे सक्शन आई है, यहाँ पे तो इसका मैकेनिज्म ही ऐसे होता है कि बहुत बड़े अमाउंट को क्या कर सकता है, डील कर सकता है, क्योंकि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, उससे लिक्विड बाहर जाएगा। और जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वन टाइम में आ सकता है, इसलिए ये क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट को ही हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता एक बार में। यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल हेड, मतलब अगर वाटर, स्मॉल हेड का मतलब इसको समझो, अगर आपको कम ऊंचाई तक पानी पहुंचाना है लेकिन ह्यूज अमाउंट है आपके पास, मतलब आपके पास ज़्यादा लिक्विड है और उसे कम ऊंचाई तक ही पहुंचाना है, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो आउटलेट पे या डिस्चार्ज पॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है। जब प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा तो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, तो बहुत ऊंचाई पे वाटर को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो पहुंचा ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा है कि आप बल्क अमाउंट में लिक्विड को कम ऊंचाई तक, मतलब स्मॉल हेड का मतलब कम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसमें आउटलेट पे, ठीक है, आउटलेट या जो डिस्चार्ज पॉइंट है वहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेशर एक्यूमुलेट होता रहता है, इसलिए इसको बहुत बड़े ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको समझाया था कि जो अपना हैंड पंप होता है वो एक प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है, उसमें इतने नीचे से, कितने फिट, 300-400 फीट नीचे से, 150 फीट नीचे से वाटर को हम लोग निकालते हैं, तो उसमें इजिली निकाल पाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो क्या है, कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता रहता है, उस प्रेशर से निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को लगाओ तो मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत होगी या निकल भी नहीं पाएगा वाटर या जो लिक्विड है। कॉस्ट इज़ लेस, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसका कॉस्ट लेस होता है क्योंकि इसकी साइज स्मॉल है, और जो
जो ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स होता है। किससे कंपेयर करेंगे, तो अगर सेंट्रिफ्यूगल पंप से कंपेयर कर रहे हो तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसका कॉस्ट 4 टाइम्स होता है। ठीक, सेंट्रिफ्यूगल पंप जो है हाई स्पीड पर रोटेट कर सकता है, जब हाई स्पीड पर रोटेट करता है क्योंकि रोटेशन चाहिए तो उसको इलेक्ट्रिकल मोटर लगा देंगे तो अपना काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर जितने स्पीड से रोटेट करेगा उतने स्पीड से इसमें क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा और वाटर हम क्या करेंगे आउटलेट पे प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है इसका कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि ये उतनी स्पीड पे रोटेट नहीं कर पाएगा, अगर ज़बरदस्ती रोटेट करवाओगे तो इसमें इतना फ्रिक्शन आएगा, इतना हीट जनरेट होगा कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो इसको हम मोटर के साथ कपल नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑपरेटिंग जो स्पीड है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, फिर से आओ, दो डिफरेंस और बचे हुए हैं। तो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, वो छोटे से एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, छोटे से एरिया में, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे मोटर के साथ जो पंप लगा होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं हम लोग, वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, छोटा सा होता है, छोटे से एरिया ही चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन जो हैंड पंप है उसे तो बड़ा एरिया चाहिए ना, और वो क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, तो नीड्स लार्जर एरिया फॉर इंस्टॉलेशन। समझ में आ रहा होगा, इफिशियंसी जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की ही हाई होती है, और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। ओके, आई थिंक कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई झिझक ना रखें पूछने में, और कोरोना से बच कर रहिए, घर पे मम्मी पापा कहना मानिए, और ठीक है, गुड बाय।